बोले बागेश्वर धाम सरकार की। ये है बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। ये दुनिया भर की पर्ची निकालते हैं, लेकिन आज मैंने इनकी पर्ची निकाली है। देश दुनिया की समस्याओं का निदान पर्ची निकाल कर करने वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इस वक्त एक ऐसी बीमारी की चपेट में आ गए हैं, जिसके बारे में जानकर उनके भक्तों के होश उड़ गए हैं। खबरें हैं कि मुंबई के डॉक्टर धीरेन्द्र शास्त्री का इलाज करेंगे, लेकिन उनको क्या बीमारी है, आइए जानते हैं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस, मैं हूँ आपके साथ बबीता रेखवाल। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये बन रहा है कि आखिर देश दुनिया की समस्याओं का निदान पर्ची निकाल कर करने वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बालों का इलाज जो होने जा रहा है, और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कहा जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री को हेयर लॉस की बीमारी है, उनके बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं, जिसके बाद मुंबई के प्रसिद्ध हेयर ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक सिन्हा ने बागेश्वर बाबा को गंजेपन से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सलाह दी है। सबके चहेते बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बहुत जल्द इलाज शुरू होने जा रहा है। इसके लिए उन्होंने मुंबई के एक डॉक्टर को आश्रम बुलाया है। डॉक्टर अशोक सिन्हा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बालों को लेकर कई खुलासे किए। डॉक्टर सिन्हा ने ये वीडियो शेयर कर कहा, ये है बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। ये दुनिया भर की पर्ची निकालते हैं, लेकिन आज मैंने इनकी पर्ची निकाली है। इस पर्ची में डॉक्टर सिन्हा ने बताया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सिर के क्राउन एरिया में थर्ड लेवल का थिनिंग और फ्रंट तथा मिड स्कल एरिया में सेकेंड लेवल का थिनिंग है। इसके अलावा दोनों एंगल में बाल्डनेस भी है। अपने इंस्टाग्राम के वीडियो में अशोक सिन्हा ने यह भी बताया कि बाल दो तरह के होते हैं, एक मोटा और एक पतला। उन्होंने आगे ये बताया कि पतले बाल गिरते हैं पर दिखते नहीं हैं, जिसे बगैर हेयर लॉस के भी डेंसिटी कम होती जा रही है। डॉक्टर अशोक सिन्हा ने धीरेन्द्र शास्त्री की इस समस्या का मुख्य कारण जेनेटिक बताया है। डॉक्टर सिन्हा ने यह भी बताया कि शास्त्री जी रात में देर से सोते हैं और वक्त पर खाना नहीं खाते हैं। उनकी मिठाई खाने की जो आदत है और प्रोटीन की कमी भी समस्या को बढ़ा रही है। डॉक्टर सिन्हा ने धीरेन्द्र शास्त्री के लिए ट्रीटमेंट की सलाह भी दे डाली, जिसमें टॉपिकल सॉल्यूशन, मिनोक्सिडिल और फिनस्टेराइड शामिल है। इसके साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री को मल्टीविटामिन लेने की सलाह दी गई है। डॉक्टर ने उनसे कहा है कि उनको रात 8 बजे तक खाना खाकर 10 बजे तक सो जाना चाहिए। डॉक्टर ने उन्हें मिठाई कम खाने की भी सलाह दी है, साथ ही प्रोटीन का सेवन अधिक करने को कहा है। अगर उन्हें दवाइयों से परहेज हो तो PRP कराने को भी कहा है। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।